प्रदेश भर में कोरोना को लेकर इस वक्त लॉकडाउन जारी है। वहीं राजधानी जयपुर के खुनागोरिया थाना इलाके के एक मस्जिद में पुलिस ने एक छापा मारा। इस दौरान 15 लोग आयशा मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करके सभी लोगों को अपनी हिरासत में लिया और पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ में जुट चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, सोशल डिस्टेंसिंग एक बार फिर से यहां पर धज्जियां उड़ाई गई और यहां पर पूरा क्या मामला रहा? देखिए जैसे बिल्कुल ये जो मामला है पूरा आयशा मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जो कि खुनागोरिया जो थाना इलाका पड़ता है वहां पर ये मस्जिद पड़ती है जी। इस मस्जिद के क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तमाम मंदिर है, मस्जिद है, सभी तरह के जो गेट्स हैं, जो द्वार है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पूरा जयपुर शहर है, पूरा राजधानी और पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश यहाँ पर लॉकडाउन है। तो ऐसे में सभी मंदिरों मस्जिदों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार माइक के जरिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। मगर यहाँ पर जब पुलिस को सूचना मिलती है कि जो आयशा मस्जिद पड़ती है खुनागोरिया थाना इलाके के अंदर, वहां पर पीछे के गेट से एक दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से जाकर के वहां पर जो नमाज अदा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जो वहां अपने जाब्ते के साथ पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जब पूरे एक जो मस्जिद है उसको यहां पर घेराबंदी कर लिया। मगर जब पहले जब पुलिस की टीम जब फ्रंट वाले गेट पे सामने आई तो वहां पर पूरा ताला लगा हुआ था, मगर जब पीछे जाकर के पुलिस ने देखा तो मस्जिद के पीछे के गेट से सभी जो लोग थे सामूहिक रूप से प्रवेश करे और अंदर जाकर के यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। तो पुलिस की टीम सीधे ही यहाँ से मस्जिद के अंदर पहुंची है, पीछे से गेट कर सभी को यहाँ पर से राउंड अप किया है। फिलहाल यहाँ पर 15 जनों को फिलहाल मौके से सभी को हिरासत में लिया है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जहाँ पूरा देश लॉकडाउन है, पूरा राजधानी जयपुर शहर लॉकडाउन है, तो कैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जो बात कही जा रही थी उसकी यहाँ पर धज्जियां उड़ी है, लॉकडाउन का भी यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे में जो पुलिस है अब यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत है तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करेगी और धारा 188 है के तहत यहाँ पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी यहाँ पर पुलिस ने तैयारी कर ली है फिलहाल। और जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, फिर लोगों के बहकावे में आकर के लोग यहाँ पर आए, मस्जिद तक कैसे पहुंचे, इन सब चीजों को लेकर के है जो पुलिस है जो उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल खुनागोरिया थाना जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद यादवेंद्र। आपको राजधानी जयपुर से हम खबर दे रहे हैं। राजधानी के खुनागोरिया इलाके में यहाँ पर एक आयशा मस्जिद में 15 लोग एक साथ में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। पुलिस वहां पर पहुंची सूचना पर और सभी 15 लोगों को हिरासत में लिया है और अब उनसे पूछताछ जारी है। टोंक शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बावड़ी क्षेत्र के मोहल्ले में शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला कर दिया।